जहाँ तक कुमार विश्वास जी की बात है, कुमार विश्वास जी आंदोलन से ही इस पूरे मुहिम में सक्रिय रहे हैं। एमसीडी चुनाव से पहले लगभग लगभग सब लोगों की सर्वसम्मति की जो राय थी पार्टी के अंदर कि कुमार विश्वास जी को राज्यसभा में हम भेजेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि क्या वजह हुई जिसकी परिणति के रूप में एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ। और जितने सरकार के विरोध में मीटिंगें हुई उसका केंद्र बिंदु कुमार विश्वास जी का घर रहा। कपिल मिश्रा जी उसमें शामिल थे और ये सारा तथ्य सामने आया और उसके बाद कपिल मिश्रा जी को सस्पेंड किया गया। कुमार जी से बात की गई, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है और हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है जिस पर उन्होंने पार्टी की मुखालफत नहीं की है। और ख़ास तौर से जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी ने उनको सार्वजनिक मंच से अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया, लेकिन उस अवसर का भी उन्होंने दुरुपयोग किया और उसके बाद से भी लगातार निरंतर पार्टी के खिलाफ बोलते रहे और काम करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में पीएससी ने निर्णय लिया कि अगर इनको इस समय राज्यसभा में भेजा जाता है तो इस मंच का भी वो दुरुपयोग करेंगे और इसी वजह से उनको उम्मीदवार न बनाने का निर्णय पार्टी ने लिया। लेकिन अगर आप एंटी पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे तो किसी भी पार्टी को डर लगता है। रही बात की जो सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, उसके बाद भी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई इनके खिलाफ और इन्होंने कहा था कि नहीं, हम पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो 6 महीने का जब मूल्यांकन किया पार्टी ने सारी गतिविधियों का और ख़ास तौर से राष्ट्रीय सम्मेलन का, तो ऐसा लगा कि उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमें पार्टी के खिलाफ ही काम करना है। तो ऐसे में राज्यसभा जैसा प्लेटफॉर्म जो जहां पार्टी की लाइन को और पार्टी की पॉजिटिविटी को, पार्टी की गतिविधियों को रखने का मंच है, वहां पर जिस व्यक्ति की मानसिकता में नेगेटिविटी फैल गई हो शायद वो सही कदम नहीं होता और पार्टी ने सही निर्णय लिया।